सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो जगबानी टीवी। मैं हाँ थोड़े नाल तनु और इस वेले दी मंदभागी खबर पटियाला तो आ रही है जिथे एक 2 महीने की गर्भवती महिला तो उसकी 10 महीने की बच्ची की करंट लगन नाल मौत हो गई है। दसिया जा रहा है कि पिंड अलीपुर की यह घटना है और सो रहे सी मदर और जिसकी बेटी सी वह सो रहे सी तो इस दौरान जो स्टैंडिंग फैन सीगा वह एकदम उन्होंने उत्ते डिगदा है जिस तो बाद करंट जिहड़ा है वह 2 महीने की गर्भवती महिला तो उस दे नाल जिहड़ी छोटी 10 महीने की बच्ची सुती सी उसनू लग जांदा है जिस करके दोहां दी मौके ते ही मौत हो जाती है। फिलहाल उम्र जिहड़ी है महिला की 31 साल दसी जा रही है जो कि 2 महीने की प्रैगनेंट सी और 10 महीने की बच्ची सी जिसकी करंट लगन नाल दर्दनाक मौत हुई है। प्रवासी परिवार है जो मजदूरी करता सीगा और परिवार जिहड़े सीगे वह अपने काम लई गए हुए सी और पिछों यह दर्दनाक घटना वापर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले नाल जिहड़ी है सांझी करन दे लई साडे नाल साडे सहयोगी पटियाला तो कवल जी जुड़े हुए ने। कवल जी बहुत बहुत स्वागत है जगबाणी ते। कवल जी पहला सवाल यह है कि पूरी घटना जिहड़ी पटियाला दे अलीपुर पिंड च वापरी है की घटना है? जी बिल्कुल, तुहानू दस दवां कि अलीपुर दे विच कल देर शाम जिहड़ी है एक मनभागी घटना सामने आई है जिस दे नाल एक परिवार जिहड़ा पूरी तरह बर्बाद हो गया क्योंकि परिवार जिहड़ा आराम कर रहा सी घर दे विच गर्मी होण करके जिहड़ा फराटा पखा ला के जिहड़ा आराम कर रहा सीगा जिस दे विच 31 साल दी जिहड़ी वैभा देवी जिहड़ी है गर्भवती महिला सीगी 2 महीने दी जिसकी 10 महीनिया दी बच्ची उसके नाल आराम कर रही सीगी अते उसका पति जिहड़ा दिहाड़ी मजदूरी करदा काम ते गया होया सीगा लेकिन किसी कारण करके जिहड़ा फराटा पखा उन्होंने उपर गिरिया शॉर्ट सर्कट होने कारण जिहड़ी है परिवार को करंट लग्या जिस करके गर्भवती महिला और उसकी 10 महीने की बच्ची की जिहड़ी है मौके पर मौत हो जाती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की कुछ कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, दस दिए कि जो पुलिस को इस मामले की सूचना पहुंची आसे पासे के लोगों ने जो परिवार को देखा जाके जो ठीक ठिहाड़ा घरे पै रहा था जो करंट लग रहा था तो जो आंढ़ी गुआंढ़ी जो घर के पहुंचे तो उदों तक जी है परिवार की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सूचना दी गई, पुलिस वालों मौके पर पहुंच के जिहड़िया ने लाशा को फिलहाल मोर्चरी घर रखा गया जिसका पोस्टमार्टम उत्ते होया जिहड़े वैभा देवी के जिहड़े पति सीगे तां उह वी सामने आए उन्होंने कैमरे के सामने आके भी बयान दिता कि कल करंट लगन करके उन्हां दा परिवार जिहड़ा पूरी तरह बर्बाद हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी सांझी करन दे लई। सो साडे नाल पटियाला तो कमल जी जुड़े हुए सी जिन्हां ने इस पूरे मामले नाल जिहड़ी संबंधित जानकारी है वह सांझी कीती है। फिलहाल दस दिंदे आ कि पटियाला दे अलीपुर पिंड दी एक घटना है जिथे 2 महीने की गर्भवती महिला ते उस दे नाल उसकी बेटी 10 महीने की जो दोनों आराम कर रहे सन दोपहर वेले तो उस दौरान फराटा पखा जिहड़ा है वह स्टैंडिंग फैन हुंदा है वह एकदम इन्हां उत्ते डिगदा है जिस तों बाद करंट जिहड़ा है वह दोनों नूं लग जांदा है ते थां ते ही दोहां दी मौत हो जाती है। परिवार जिहड़ा है उन्होंने रो रो के बुरा हाल है, प्रवासी परिवार है और क्या ये जा रहा है कि परिवार की मदद करन लई संस्था जिहड़ी है अगे आई है जिस दी मदद नाल वो अपने पिंड जाके ही संस्कार करनगे। फिलहाल तस्वीर असं तुहानू दिखा रहे हो उस परिवार दियाँ जिसके परिवार से यह दुखों का पहाड़ टूटिया है। कहा जा रहा है कि दिहाड़ी वाले बंदे ने और दिहाड़ी करन दे लई परिवार के जिहड़े होर सदस्य सी वह गए हुए सन पिछों यह वड्डी वारदात वापरदी है जिथे 2 महीने की गर्भवती तो उसकी 10 महीने की बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है। उम्र जिहड़ी है महिला की 31 साल दसी जा रही है जिसकी इसे मौत हुई है और नाल दे नाल 10 महीने की बच्ची भी इस हादसे का शिकार हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले दे विच परिवार दे जिहड़े सदस्य ने मैंबर ने उन्हां दा की कुछ कहना है आओ सुनते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत दास। रंजीत जी, क्या हुआ वो जो लड़की की और उसकी बच्ची की डेथ हुई है, क्या लगते थे आपके वो? जी मैं उनका ससुर हूँ, मेरा लड़का का वो बीवी थी। हम लोग इस दिन मंगल का दिन था, हम लोग ड्यूटी चले गए थे। हम लोग चार परिवार यहाँ रहते हैं, हम, मेरा बीवी, मेरा लड़का और लड़का का वाइफ। हम लोग ड्यूटी में चले गए थे, घर में पंखा चालू होके था, स्टैंड फैन था, वही मेरा बहू और बच्ची दोनों सो के थी। पंखा उसके बदन पर गिर गया, गिर जाने के बाद इलेक्ट्री से दोनों साथे साथ निकाल हो गए दोनों का। जी क्या नाम था उनका? लड़की का नाम विभा देवी है और बच्ची का नाम साइना कुमारी।
कितने साल की बच्ची थी? बच्ची 10 महीने का। तो जो आपकी बहू थी वो पेट से भी थी? जी, प्रेगनेंट 2 महीने का थी। अच्छा, यानी 3 लोगों की मौत हुई है। जी, तो अभी आपने पुलिस में कंप्लेंट दे दी है, पुलिस वाले आ गए हैं? पुलिस वाले वही मंगल के जिस टाइम में घटना हुई ना, तो घर वाले आने के बाद पुलिस को कन्फर्म किए, पुलिस वहाँ से आए, लाश ले आए यहाँ। हम लोग 3 दिन से आज जा रहे हैं, आज पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद सेवा संस्था से हम लोग को मदद मिल रहा है, वहीं से हम लोग शिवपुरी जाएंगे। क्या काम करते थे यहाँ पटियाला में, क्या काम करते थे आप सभी? लिफाफे का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हो। तो जो लड़की की मौत हुई है ये भी काम करती थी? जी ना। अच्छा, इसका पति क्या काम करता है? वो भी दिहाड़ी वाला काम करता है। क्या नाम है आपका? रंजीत दास। रंजीत जी, क्या हुआ वो जो लड़की की और उसकी बच्ची की डेथ हुई है, क्या लगते थे आपके वो? जी, मैं उनका ससुर हूँ। मेरा लड़का का वो बीवी थी। हम लोग इस दिन मंगल का दिन था, हम लोग ड्यूटी चले गए थे। हम लोग 4 परिवार यहाँ रहते हैं, हम, मेरा बीवी, मेरा लड़का और लड़का का वाइफ। हम लोग ड्यूटी में चले गए थे, घर में पंखा चालू होके था, स्टैंड फैन था, वही मेरा बहू और बच्ची दोनों सो के थी। पंखा उसके बदन पर गिर गया, गिर जाने के बाद इलेक्ट्री से दोनों साथे साथ काल हो गए दोनों का। जी, क्या नाम था उनका? लड़की का नाम विभा देवी है और बच्ची का नाम साइना कुमारी। कितने साल की बच्ची थी? बच्ची 10 महीने का। तो जो आपकी बहू थी वो पेट से भी थी? जी, प्रेगनेंट 2 महीने का थी। अच्छा, यानी 3 लोगों की मौत हुई है। जी, तो अभी आपने पुलिस में कंप्लेंट दे दी है, पुलिस वाले आ गए हैं? पुलिस वाले वही मंगल के जिस टाइम में घटना हुई ना, तो घर वाले आने के बाद पुलिस को कन्फर्म किए, पुलिस वहाँ से आए, लाश ले आए यहाँ। हम लोग 3 दिन से आज जा रहे हैं, आज पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद सेवा संस्था से हम लोग को मदद मिल रहा है, वहीं से हम लोग शिवपुरी जाएंगे। क्या काम करते थे यहाँ पर?